इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-1052 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? हम अच्छे से हैं। नाम बता दें अपना श्रोताओं को। नाम में तो जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ये पहचान है घर जान सब। बहुत अच्छा, फिल्म किनारा का ये गीत है और बोल इतने अच्छे हैं कि आज तक लोग इस गीत को याद करते हैं इसी भाव के साथ में। देखा इसको वीडियो में, देखा गीत तो बहुत बढ़िया है लेकिन सीन कोई इतना खास नहीं है। अब कुछ मजा नहीं आया। गाना तो हमको दिल जान से पसंद है, बहुत बढ़िया गाया। जी जी जी, जितेंद्र है और हीरोइन मालूम नहीं कौन है। आज किस गाने की, इस कार्यक्रम में फरमाइश है आपकी? हाँ, गाने की फरमाइश करेगा। हमें तो हमसे आज दत्वन भिजा, ट्रेन में दत्वन भिजवा देंगे। याद है ना पिछली बार? जी, पिछली बार आपने बताया, आपने अपना पसंद से बताया था ना, बताया था दत्वन ले लो दत्वन। नहीं, उसके बोल तो ये थे कि अगर दिल किसी का जीतना हो तो मीठे मीठे बोलो, बीच में वो दातून वाला बेचने वाला डायलॉग आता है अंदर से। जिंदगी कितने खूबसूरत आई है आपकी जरूरत है। असगर जी शिवपुर से आप हमें फोन करते हैं और जैसा आपने कहा कि आपकी आवाज ही पहचान है तो आपकी आवाज वास्तव में पहचान है और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। फिल्म का नाम है बिन बादल बरसात, शकील बदायूनी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। शुक्रिया, आदाब। आइए आपकी जरूरत।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका, नाम बताइए अपना। संतोष कुमार पासवान बोल रहे। संतोष जी, कौन सी जगह से आप बात कर रहे हैं प्रोग्राम में? सर जी, गुजरात अहमदाबाद। और लग रहा है थोड़ी सी मायूसी है मन में, किस बात को लेकर के आप उदास हैं या फिर क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम में सुनने वालों को? नहीं सर जी, थोड़ा तबीयत डाउन है। और ये देखिए, जो धूप छांव का मौसम है ना हमारे यहाँ, तो जैसे वाराणसी में जहाँ आपने फोन किया है, काफी समय से बारिश नहीं हुई और धूप इतनी कड़ी हो रही है कि जरा सा अगर धूप लग जाए और आदमी सुरक्षा के साथ बाहर ना निकले तो तबीयत खराब हो जा रही है। तो बहुत सावधानी एहतियात की जरूरत है इस मौसम में। और प्रोग्राम हमारे कैसे सुनते हैं आप और कैसे लगते हैं कार्यक्रम आपको? सर जी बहुत अच्छे लगते हैं, मोबाइल पर ऐप पर सुनते हैं और यूट्यूब पर। बिल्कुल, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज कौन से गीत की फरमाइश है ये बताएं। सर जी, तूने और रंगीले कैसा जादू किया। फिल्म कुदरत का गीत है ये जी, पिया पिया बोले मतवाला जिया। और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गीत सुने, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, जज्बात भी ठुकरा देते हैं लोग। देखेंगे दो इंसानों का मिलन, साथ बैठे हो परिंदे तो उड़ा देते हैं लोग। वाह वाह,
क्या खूबसूरत शेर आपने कहा। सबसे पहले सर आपको सुनने वाले साथियों को ढेर सारा नमस्कार। और ये नमस्कार कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ तक तो हम लोग जान रहे हैं लेकिन कहाँ से पहुँच रहा है ये हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। जी सर, मैं ग्रामबा पोस्ट बक्सेना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से, यानी कि उत्तर प्रदेश से बिमल बात कर रहा हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट से बदायूं। जी जी, तो बिमल जी क्या क्या शौक है आपके, काम काज या फिर पढ़ाई लिखाई में कुछ कर रहे हैं? जी सर, पढ़ाई तो मैंने इंटर कर लिया, इंटर के बाद फिर पढ़ाई थोड़ा सा बंद कर दी क्योंकि उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद बच्चे हो गए और फिर लाइफ दिन पर दिन बढ़ती ही गई, मतलब इतना प्रकोप रहा कि थोड़ा सा पढ़ने में वैसा हो गया सर। मसरूफियत दिन ब दिन आपकी बढ़ती जा रही है और इस कारण से, लेकिन अपने कामकाज के बारे में रोजी रोजगार को लेकर के क्या करते हैं, क्या सोचा है आपने? जी सर, मैं वैसे तो एक किसान हूँ और खेती ही करता हूँ और इस समय मेरे पास करीब 20 बीघा जमीन मेरे खुद के नाम पर है। बिल्कुल, तब तो इसी की देखभाल अगर आदमी करे और अच्छी तरह से इसमें ध्यान दे तो ये पर्याप्त है, मोर देन पर्याप्त है मुझे कह सकते हैं हम लोग। जी सर बिल्कुल, और देखो अब जब शादी हो गई तो मतलब बच्चों का, बच्चे भी तीन है हमारे, तो उनका भी मतलब खर्चा था, अब तो खैर बच्चे ही पढ़ने जा रहे हैं तो यानी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आप खेती बाड़ी में अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इन दिनों आपके यहाँ क्या क्या आपने खेतों में लगाया है और बारिश का क्या इम्कान है, क्या स्थिति है उस पर प्रभाव? जी सर, हमारे खेतों में धान लगे हुए हैं और धान के साथ एक अरबी होती है, जो अरबी भी लगी है और मक्का की फसल लगी हुई है। तो इसको तो आप बिल्कुल व्यावसायिक पैदावार करते होंगे, बाजार कौन सा है, आप ले जाते हैं या फिर कारोबारी आपके यहाँ आते हैं? नहीं सर, हमें मार्केट ले जाना पड़ता है, ट्रॉली में भर के जब माल मतलब हो जाता है जी जी, तो उसके उपरांत हम माल ट्रॉली में ले जाते हैं और मार्केटिंग करते हैं। बिल्कुल, थोक मंडी में ले जाते होंगे आप? जी जी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बात है कि आप खेतीबाड़ी से भी जुड़े हैं और जिम्मेदारी का एहसास के साथ आप अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। खेतीबाड़ी में भी अगर आधुनिक तरीके से की जाए, नए तरह से की जाए तो तरक्की के बहुत सारे रास्ते द्वार वहां भी खुलते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, आप अपना काम निश्चित रूप से अच्छे ढंग से करिएगा तो आपके लिए ना तो मतलब हर चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, आप मतलब प्रसन्न रहेंगे हमेशा और यूं ही आकाशवाणी वाराणसी सुनते रहेंगे। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहें हमेशा और यूं ही आकाशवाणी वाराणसी सुनते रहें। किस गाने की आज फरमाइश? जी देखो, कहा गया सर कि देखो जो परिश्रम होता है, जैसे कि हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने माता पिता का मतलब सेवा जो करते हैं, तो इसकी इसके लिए भी एक वो माना गया, जैसे कि हम जो कुछ अच्छे मतलब दूसरों के साथ कार्य नहीं कर सकते तो अपने बच्चों और माता पिता का ध्यान रखते हुए वो भी अच्छा कार्य कहलाता है। ये तो है कि आप जहाँ भी जिस काम में भी लगे हैं, अगर वहाँ पर ईमानदारी से, निष्ठा से, समर्पण भाव से उसको किया जाए तो उसका पुण्य मिलता है, प्रतिफल मिलता है। कोई भी काम लगन से और ईमानदारी से होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी काम हो जीवन का। जी सर, और किस गाने की फरमाइश? जी, बारिश भी हमारे यहाँ पे लगातार हो रही है और धान के जितने भी किसान हैं सब मगन हैं, खुश हैं, बहुत ही उन्नति से आपका रेडियो सुन रहे हैं। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। अब बताएं रेडियो पर कौन सा गाना सुनना है? जी सर, इसी के बीच आज फिल्म का नाम है आई मिलन की रात, और इसमें एक सॉन्ग है तूने प्यार की बीन बजाई मैं दौड़ी चली आई, ये सॉन्ग सुनना चाहते हैं सर। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं, समीर के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अरुण सर से बात हो रही लग रहा है? जी 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 जी, आपको भी हमारा सब प्रेम नमस्कार। जी, गीत सुनते हैं, नमस्कार।
कहानी बना लूं, अपने लबों से लगा लूं। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखे, आंखों में कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ अरुण सर, नमस्कार। नमस्कार, बताएं कैसे हैं जी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरुण सर प्यार और नमस्कार। पूरी आकाशवाणी के महफिल को, पूरी आकाशवाणी टीम को 1602 किलो हर्ट्ज 42 सॉरी लगता है लिख करके रखना पड़ेगा आपको अशोक जी। अरुण सर कह रहे हैं, हम असगर अली जी बात कर रहे थे, फिर वही हम आपके बहादुर शर्मा के दुकान में फंस गए और उसी जगह एक रिकॉर्डिंग मेरा कर लीजिए उधर से प्यार। अच्छा, इसमें बहुत तेज आवाज थोड़ी फटने जैसी आ रही है, पहले की तरह नहीं है आपकी आवाज अभी। जी अरुण सर, वही मोबाइल मेरा बिगड़ा हुआ है। तो नाम बता दें, कौन सी जगह से बोल रहे हैं आप? करौता लोहता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ। सर प्यार हुआ नमस्कार। क्या कहने, और असगर जी से दोस्ती हो गई आपकी फिर से, तो बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और लोग आते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिल जाते हैं। जी अरुण सर, अभी हमारी असगर अली जी से 2 कॉल आया था तो हमने तुरंत मिलाया। अभी 5-6 मिनट मैंने बात किया, उन्हीं से मैंने कहा कि आप कॉल काटिए, मुझे आकाशवाणी मामूरगंज में कॉल लगाना है। हाँ, और ये जरूर है कि संबंधों में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक दुश्मनी जमकर करो पर इतनी गुंजाइश रहे, दोस्त बन जाएं अगर तो खुद से शर्मिंदा न हो। तो हर चीज में एक ख्याल रहे कि कभी भी चीजें बिगड़ी हैं तो बन भी सकती हैं, लेकिन एक उसकी सीमा के अंदर हमें हदों का ख्याल रखना चाहिए। जी अरुण सर, आपने बात बहुत बढ़िया बोले हैं, तो मुझे आपका एक बात ही याद आ गया। तो मैंने देखा कि एक आपने शायरी बोला था और यूट्यूब में मैंने सुना था, अगर हमें अपनों ने पीठ पर ठोका नहीं होता तो दुनिया से जंग हम हारते रही है। इसके आगे का वर्ल्ड खुद जानते हैं, हम खुद शायरी सुनकर खुद हम एकदम बेहिसाब हो गए कि क्या कहने हैं। अच्छा, वो शेर कई लोगों को बहुत पसंद आता है, कुछ यूं है कि अपनों ने अगर पीठ पे मारा नहीं होता, दुनिया की कोई जंग में हारा नहीं होता। और शेर है कि हालात सिखा देते हैं कोहराम मचाना, खामोश मिजाजी से गुजारा नहीं होता। क्या अंदाज है सर, ये तो हम लोग सुनते ना बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब में इतना आप अच्छी अच्छी चीज लेके आते हैं कि जीने की एक चाहत मिल
जाती है हम लोग को कि अब ये सब वर्ल्ड में ये सब बातें कहाँ रहती है, एक दूसरे ही से सीख मिलता है जीने के लिए। चलिए, आप जैसे श्रोता बिल्कुल खुशी के साथ, आनंद के साथ, सहज भाव से हमसे बातें करते हैं तो हम लोगों को भी हौसला और जीवन में खुशियां इसी तरह से मिलती रहती हैं। वरना जो झंझावात है, परेशानियां हैं, वो तो हर किसी के लाइफ में है। और अरुण जी, हम लोग तो एक आम आदमी है, फिल्मी दुनिया के बात कर रहा हूँ मैं, 2003 की बात कर रहा हूँ। जब मैं पहली मरतबा घूमने गया था तो लगभग मैं 10 दिन सैर किया था कलकत्ता से, बहुत दूर दूर मैंने घूमा और वक्त मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ। एक ऐसा वर्ल्ड में मेला लगा था कि वहाँ क्या नहीं बिकता था, जी जी, वहाँ क्या नहीं बिकता था मैंने देखा कि हम खुद नहीं समझ पाए कि हाथी घोड़ा ऊंट हर चीज, एक चीज का मैंने देखा। तो उसी में फिल्मी स्टार ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, फिल्मी स्टार ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, उसी जगह मैंने 2003 में लता दीदी को इसी जगह मैंने स्टेज पर देखा था। क्या कहें, गोविंदा, रवीना टंडन, कादर खान और शक्ति कपूर, एक से बढ़कर एक कन्हैया उदित नारायण, मैंने उसी जगह मैंने देखा। कभी मैंने नाच गाना, कभी ऑर्केस्ट्रा होती है गांव में या कहीं भी होता है, मैं तभी किसी जगह जाता हूँ क्योंकि उससे खूबसूरत चीज कभी मैंने देखा, कभी मुझे अच्छा नहीं लगता नाच गाना। या कहीं भी मैं पार्टी करते जाऊँ, मैंने देखा कि दुनिया की क्या चीज मैंने देखा है। और गोविंदा को जब मैंने आमने सामने देखा, रवीना टंडन को, रवीना टंडन मेरे सामने खुद थी, मैं खुद नहीं पढ़ पाया कि एक हमने रवीना टंडन हीरोइन ने हम लोग दिलवाले में देखा इतनी लंबी चौड़ी, और मैंने जब सामने से देखा तो मुझे हकीकत पता चला। दरअसल स्क्रीन पे और वैसे भी हम लोगों की भी जो जिंदगी है जिसमें तमाम अनाउंसर, अब तो मान लीजिए आप लोग सोशल मीडिया के जरिए सभी को देख ले रहे हैं, लेकिन एक समय था हम लोग जिन लोगों को रेडियो में सुनते थे या गाते हुए या बोलते हुए, उनको हम लोग देख नहीं पाते थे, तो मन में तरह तरह की इमेज बनी रहती थी। तो एक तो है कि ये दूरी थोड़ी सी कई चीजों में फायदेमंद होती है कि आदमी कल्पना करता है और अच्छी से अच्छी तस्वीर बनाता है। जी जी अमित, आज कौन से गाने की फरमाइश है? मुझे दरिया दिल का गाना सुनना है। जी, वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की, नादा है वो क्या जाने कब कली खिली बहार की। ये गाना हमको सुनना है गोविंदा जी का। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हम लोग फिर मिलेंगे इसी दिन इसी चैनल इसी प्रोग्राम, तब तक के लिए अरुण सर प्यार है, नमस्कार। नमस्कार। कमसिन हो या जवान हो,
जब प्यार जागता है तब उम्र देखता है दिल का जाना दिल का आ जाना ये बात नहीं प्यार की नादान है वो क्या जाने कब कली। श्रोताओं ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 से। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। आपको हम बता दें कि रिकॉर्डिंग बुधवार को सुबह में 10:30 से आमतौर पर 11:15 तक होती है और इस कार्यक्रम का प्रसारण दिन में शनिवार को 12 से 12:30 और फिर 2:30 से 3 और रविवार को 12 से 1 के बीच होती है। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। आज इस कार्यक्रम को खत्म करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपके संग किनारे कोई नहीं तन्हा कोई नहीं तन्हा है रीत यही संसार की नादा है वो क्या जाने कब कली खिली बहार की। वो कहते हैं हमसे अभी उम्र नहीं है प्यार की नादान है वो क्या जाने कब कली खिली बहार की। वो कहते हैं हमसे। जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश है। नमस्कार बताएं। हाँ नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश से। जी रानू जी आवाज बहुत अच्छी है आपकी और बताएं क्या कर रही हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश में कौन सी जगह से आपने फोन किया है। मैं देवास से बात कर रही हूँ। और बड़ी खूबसूरत जगह है कुछ जैसे पेड़ पौधे हरियाली ज्यादा है वहाँ पर सुनते हैं। हाँ माता जी का मंदिर भी है यहाँ। जी जी तुलजा भवानी का सब कुछ है इंदौर से लगा हुआ है। बिल्कुल। और इंदौर तो बहुत सारे चीजों में इंदौर का बहुत नाम है और वो चाहे गीत संगीत का क्षेत्र हो रंग कर्म का हो या फिर रेडियो में भी बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टर हैं वो इंदौर से रहे हैं। मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ और फिलहाल हम तो आकाशवाणी वाराणसी में है। ओके मेरा फर्स्ट टाइम कॉल लगा है। जी जी हम आपका स्वागत करते हैं। ये हमारे जो कार्यक्रम है ना ये आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकती हैं क्योंकि मीडियम वेव और FM तो आपको नहीं मिलेगा और AIR वाराणसी चैनल है उस पर भी आपको हमारे कार्यक्रम मिल जाते हैं YouTube पर। हाँ जी। क्या करती हैं रानू आप? मैं करती तो बहुत कुछ हूँ उसमें से जो बताने वाली चीजें हैं जो लगे कि समाज के लिए उपयोगी हैं लोग उससे प्रेरणा ले सकते हैं वो बातें आप हमें बता सकती हैं। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे यहाँ हार्डवेयर की शॉप है तो उसका मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ मैं ही देखती हूँ। क्या बात है। यानी आत्मनिर्भर है बहुत सारी चीजें जो नए दौर में शुरू हुई हैं आपने उन्हें पहले से ही उनमें अपनी काबिलियत हासिल कर ली है तो किस तरह से ये ख्याल आया या फिर शुरुआत से ही आपका जो रहन सहन है वो इस तरह के कारोबारी परिवार में ही आप हैं? मेरे पापा जी थे वो तो गवर्नमेंट जॉब में थे। जी जी। मेरे यहाँ ससुराल में बिजनेस ही होता है। तो आप रम गए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ और तो वहाँ पे जो आप बता रही हैं कि आपका कारखाना है या शॉप है हार्डवेयर का तो वहाँ बैठती भी हैं या फिर घर से ही प्रबंधन देखती हैं? नहीं नहीं बहुत बेस्ट शॉप है मकान की शुरुआत होती है स्टार्टिंग से। जी जी पूरा कंप्लीट हो जाता है सिर्फ कांच नहीं रखते बाकी क्लाइंट फर्नीचर सनमाइका का टोटली सामान। तब तो दिन भर में बहुत सारे लोग आते होंगे और तरह तरह के लोगों से मुलाकात होती होगी बात करने का आपको अवसर मिलता होगा। हाँ सब तरीके के आते हैं।
तो उनसे भी इसी तरह से मधुरता से बात करती हैं। हॉबीज क्या हैं आपकी, और क्योंकि आवाज आ रही है खटपट की, यानी कि बिल्कुल आप के घर में ही जैसा आपने कहा हार्डवेयर का काम है आपके यहाँ। हाँ, तो मतलब वो जैसे कि चैनल गेट वगैरह बनते हैं ना, जी जी, एक शॉप है। हाँ। ये बताएं, मैं ये कह रहा हूँ कि हॉबीज वगैरह क्या है या फिर वक्त नहीं मिल पाता कुछ और करने का। हाँ, मुझे फर्स्ट तो ड्राइविंग करने का बहुत शौक है। बहुत बढ़िया। और आजकल तो हाईवे सड़कें पहले के मुकाबले बहुत अच्छी हो गई हैं, और आदमी खुद ड्राइव करके आसपास के जो देखने सुनने लायक जगहें हैं, रिश्तेदार हैं, वहां पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल, रोड में तो काफी अच्छा, रोड जितनी अच्छी रहती है तो ड्राइविंग करने में उतनी आनंद आता है। यानी कि मेल मेंबर्स जो आपके फैमिली के होंगे उनको बड़ा आराम रहता होगा, क्योंकि आप चलाती रहती होंगी, अब वो चाहे गाना सुने। मैं सब लोकल में चलाती हूँ, हाईवे पे नहीं चलाती। अच्छा, शौक से। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कई चीजें ऐसी है ना रानू जी की, शुरू में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में अगर वो करना पड़े, कोई अगर कह दे कि चलिए मुझे लेकर वहाँ ले चलिए, तो फिर वो लगता है कि लो अब ये भी काम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं, तो करते हैं। मैंने अच्छा ड्राइविंग की हॉबी आपने बताई। हाँ, ये लगता है कि इंसान को हर एक काम में परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल जरूरत कभी भी पड़ सकती है। और अब तो बहुत छोटे छोटे जबकि परिवार होने लगे हैं, तो हर किसी को हर काम और घर बाहर हर चीज से एक तरह से कहीं दो हाथ करने की आदत और आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। और गीत संगीत किस तरह के पसंद है आपको, कुछ गाती गुनगुनाती भी है या फिर सुनती है या सुनने का मौका नहीं मिलता? मुझे डांस करने का शौक है, गुनगुनाती नहीं, क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी भारी है तो मुझे गुनगुनाने में इंटरेस्ट भी नहीं आता। डांस करने का शौक है, फर्स्ट मेरा ड्राइविंग का है, बाकी खाने पीने का नॉर्मल चलते ही रहता है। जो डांसिंग का शौक है वो सिर्फ ओकेजन पे होता है या फिर उसको प्रोफेशनली भी कुछ ऐसा कोई खास जो स्टाइल है वो आप परफॉर्म करते हैं? कुछ नहीं कर लेती हूँ, इतना है। तो क्या सुनाएंगी आप हमें इतनी अच्छी सी आवाज में? आप मुझे सुनाइएगा, मूवी का नाम है हेट स्टोरी 3, है ना, इसमें एक सॉन्ग है बजा तुम। अरमान मलिक की आवाज है और मनोज मुंतशिर के बोल और बामन का संगीत इसमें लिखा है हमारे पास जो जानकारी है। कुछ गाएंगी आप, मैंने पूछा? आप गा का सुनाइए। ये जरूर, जैसा आपने कहा ना, या बहुत सारे श्रोता भी कहते हैं, तो और भी बहुत सारे काम मैं भी करता हूँ, लेकिन ये गाने वाला जो मामला है ना वो थोड़ा सा होता है। मैं बचपन से कभी पब्लिकली मैंने कभी गाया गुनगुनाया नहीं है। अब देखिए होता क्या है ना कि हम बहुत सारे काम करें और उसमें परफेक्ट ना हो पाए, उससे अच्छा दो चार काम किए जाएं और उसमें वो जगह मुकाम हासिल की जाए कि उसमें गलती ना निकले। नहीं, तो ऐसा नहीं, अगर मुझे लगता कि वाकई में मुझे सिंगिंग का शौक है तो मैं यहाँ नहीं रहती, मैं मुंबई में शिफ्ट हो जाती है। क्या बात है। हाँ 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 हाँ। तो जी, तो हम आपको गीत सुनवा दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, ये सॉन्ग में मेरी छोटी सिस्टर नंदिनी तिवारी को डेडिकेट है, फर्स्ट आपको सेकंड पर्सन बोल रही हूँ। नहीं, उन्हें भी फर्स्ट अगर रखेंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारे कार्यक्रम में वो भी फोन करती हैं शायद। जी अच्छा, नंदिनी ने किया गया जी, वो उनके भी फोन आते हैं वहाँ से। और वो तो रेडियो की शौकीन है, बहुत सारे केंद्रों पर उन्होंने बताया कि वो फोन इन में भाग लेती हैं। हाँ, मैं सिर्फ भोपाल पे कॉल करती हूँ, वो मेरा फेवरेट है, और आपका मैं सुनकर देखूंगी अगर मुझे अच्छा होगा। बिल्कुल, ये तो है कि जांच परख कर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए और उसे वक्त देना चाहिए, तो हम भी इसके पक्षधर हैं। लेकिन हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करें कि आपको प्रोग्राम सुन करके भी अच्छा लगेगा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, गीत आपको तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और गीत सुनवा रहे हैं आपको हिट स्टोरी 3 फिल्म से। नमस्कार, शुक्रिया जी, नमस्कार, शुक्रिया। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आँखें मिला के चुरा लूँ तेरे
तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा अधूरी है एक दास्तां, आ जाओ से आज अंजाम दे। तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो, मैं जो जी तुम हो, वजह तुम हो। मैं जो जी रहा जाऊंगा सांसे चुरा के, सांसे चुरा के। क्या जाने तू मेरे राग, ले जाऊंगा सांसे चुरा के। तू कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। मैं गुमशुदा रात हूँ, मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। तो ये मुस्कुराती हुई आवाज किसकी है, ये पहले हमारे श्रोता जान लें। मैं नंदिनी तिवारी सागर मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। तो आप अपने स्कूल कॉलेज में अभी आप हैं, पढ़ती हैं, बीएससी आपने बताया था पिछले प्रोग्राम में, और करीब एक महीने हो गए बात हुई थी। हाँ, तो वहाँ भी इसी तरह से आपका अंदाज, इसी तरह से चुलबुला है। तो सखियाँ, सहेलियाँ, दोस्त मित्र क्या कहते हैं आपको? और पढ़ाई में तो आपने कहा था कि अच्छी है। मतलब हम से ये बोलते हैं हमेशा ऐसी हंसती रहा करो, और हमारी मतलब जितने जल्दी होता है हम सब में गुड़ मिल जाते हैं। क्या बात है, यानी ये मिठास जो है वो घुल मिल जाती है हर जगह। और अच्छा, आज ही के प्रोग्राम में आपकी एक दीदी हैं, वो आपकी शायद बता रही थी। सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है। जी जी जी, यानी पूरा परिवार ही, आवाज इतनी अच्छी है आप लोगों की, और आप लोग रेडियो के प्रोग्राम सुनते भी हैं। यस सर, बिल्कुल, हम रेडियो सुनते हैं, ज्यादातर भोपाल ही सुनते हैं। तो अब थोड़ा हमारे यहाँ के भी कार्यक्रमों को सुनिए। हम सब भी प्रयास करते हैं कि आज तो ऐप के जरिए और इंटरनेट के जरिए दुनिया में तमाम जगहों पर हमारे प्रसारण जा रहे हैं, और दूर दूर के श्रोता भी हमारे हैं, कई देशों में हैं। तो अच्छा लगता है आपसे बातें करके। इधर पढ़ाई लिखाई में क्या हो रहा है आपके यहाँ? अभी फिलहाल में सेकेंड ईयर के एग्जाम हो चुके हैं। और ऐसे हुए, जब परीक्षा में पेपर आपको मिलता है तो हर चीज आती है, पहले पूरा पेपर पढ़ जाती है, फिर आता रहता है और उसको कर लेती है। देखती उसके बाद। जैसे उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले कि वो पहले देखती हैं कि उस स्टेशन के अनाउंसर्स कैसे हैं, प्रोग्राम कैसा है, उसके बाद वो सुनती है। जांचो परखो तब उसके बाद घुलो मिलो। हाँ,
यस सर बिल्कुल, जैसे कि मेरी कुछ दोस्त है कॉलेज की, मुझे सबसे बेस्ट फ्रेंड एक ही मिली है अभी तक। क्या बात है, ये कि दोस्त बहुत ज्यादा ना हो लेकिन जो हो वो अपना हो, अच्छा हो, दिल के करीब हो, हर बात सुने समझे, ये बहुत जरूरी है क्योंकि समय इतना बदल गया है ना नंदिनी, जरूरी हो जाता है विश्वास बड़ा, और खासतौर से सोशल मीडिया का जमाना है और उसमें तमाम लोगों के तमाम तरह के संपर्क होते हैं, तो कौन सी बात कहां से कहां किस रूप में पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। यस सर बिल्कुल, इसलिए जात और जैसे कि जान लेते हैं इंसान को तो ठीक रहता है। जी जी, तो इसी तरह से लोगों को जांच परख करके ही उनके साथ रहिए और रेडियो स्टेशन भी उसी तरह के सुनिए, हम भी यही कहेंगे। और ये बताएं कि कौन सा गीत आज सुनना है आपको? मूवी का नाम है दस, इसी में सॉन्ग है दस बहाने करी ले गए दिल। और पंछी जालौनवी के बोल हैं और संगीत है विशाल शेखर का। कुछ आपने भी गाना नहीं सुनाया कभी हमें लगता है। अच्छा, कभी कॉलेज वगैरह में आपको कोई फंक्शन वगैरह होता है उसमें कुछ करने को कहा जाता है, करती हैं वहाँ पर? नहीं हम नहीं करते क्योंकि हमने स्कूल में की है, कॉलेज में हमें अच्छा नहीं लगता ज्यादा। क्योंकि अभी 15 अगस्त बीता तो आपके यहाँ प्रोग्राम तो हुए होंगे, आप गई होंगी? यस सर, हम कॉलेज सुने गए क्योंकि यहाँ से हमारा कॉलेज दूर है, 4 किलोमीटर पड़ जाता है। जी जी, लेकिन ये जो राष्ट्रीय त्योहार है हमें आसपास जरूर झंडोत्तोलन वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें शामिल होना चाहिए। जैसे मेरे भाई तड़ते हैं ना तो वहाँ चली जाती हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, यही वो अवसर है कि थोड़ा सा हमें भी लगे कि लोग घरों से बाहर निकलें, देशभक्ति का जज्बा उत्साह जो है वो बिल्कुल पता चलना चाहिए, उत्साह उमंग इस तरह के अवसरों पर, खासतौर से अब तो रक्षाबंधन का भी त्योहार आने वाला है, तो कोई भाई हैं आपके? छोटे अच्छा छोटे हैं तो कुछ मिलने की संभावना नहीं रहती लगता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई एक होशंगाबाद में पढ़ता है, वहाँ पंडिताई की पढ़ रहा है मतलब, और ये क्या ही है। तो पहले से कुछ कई भाई बहनों में ये बातें हो जाती हैं कि इस बार रक्षाबंधन में तुम ये देना, तुम ये करना, तुम वो करना, ये बातें ऐसी आपके यहाँ भी होती हैं? हम छोटे छोटे भाई हैं तो उनसे तो मस्ती करते ही हैं। और कौन सा गीत आपने बताया आज? ये वाला दस वाला। तो ये गीत हम आपको सुन पा रहे हैं नंदिनी, और बहुत शुभकामनाएं आपको बात करके, रानू दीदी को और आपको भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, सुनते हैं गीत। नमस्ते सर।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार फोन इन फरमाइश। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और नाम बता दें अपना हमारे श्रोताओं को। प्रबल कुमार गाजीपुर जी। प्रबल जी, गाजीपुर में कौन सी जगह से बात कर रहे हैं आप? हेलो, जाने क्यों आपका फोन कट गया, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो नहीं रहा, लोगों से हमारी पूरी बातें हो रही हैं। उम्मीद करते हैं आप फिर प्रयास करेंगे, तब तक हम दूसरे श्रोता से बातें करते हैं। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। वरूठ है इस कदर के मनाया ना गया, वरूठ है इस कदर के मनाया ना गया, दूर इतने हो गए कि पास बुलाया ना गया। वाह। और अरुण सर मेरा ये दिल है कोई समंदर का साहिल नहीं। हाँ हाँ। और अरुण सर मेरा ये दिल है कोई समंदर का साहिल नहीं, लिख दिया है आपका नाम इस दिल पर, वो फिर मिटाया ना गया। वाह वाह वाह। तो ये रिश्ता, ये मिठास यूं ही कायम रहे, हम सब भी यही चाहते हैं। और आप जैसे ही श्रोता हैं जिनसे बातें करके, जो कहते हैं ना, गम गलत हो जाते हैं, क्योंकि जीवन में तमाम तरह की बातें हर किसी के साथ हैं, लेकिन यही दो चार पल हैं और जो आपसी रिश्ते हैं वो पता चल जाता है बातचीत से। अपना नाम हमारे श्रोताओं को बता दें जी। आज आपकी ये मधुर मधुर आवाज सुन के क्या माशाल्लाह से प्यारा दिल खुश हो गया है आज मेरा, सर बता नहीं सकता। आज बहुत दिनों के बाद इस प्रोग्राम में मेरी आपसे ये मुलाकात हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको और तमाम प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों को मेरा दिल से मोहब्बत भरा आदाब भाई। जी जी, आपको भी नमस्कार आदाब। और अब तो वो आपका रामपुर की जो अदा है वो पहुंचेगी अब। बिल्कुल। वो पहुंच चुकी है उसकी गमक, लेकिन तो आपकी मोहब्बत ने जाहिर कर दिया है सभी श्रोताओं के बीच। मोहल्ला थाना टीम अंगूर वाली मस्जिद रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश से आपका छोटा भाई मोहम्मद आदिल खान आपसे बात कर रहा हूँ। तो आदिल जी, सच में आपने जो बात कही ना, वो तमाम अल्फाज आपके लिए हमारी ओर से हैं, क्योंकि एक बड़ी तहजीब आ जाती है आप जैसे बहुत चुनिंदा बहुत कम श्रोता है। ये आपकी मोहब्बत और आपका प्यार यूं ही हमेशा कायम रहे। और मैं सबसे पहले तो क्या यूट्यूब को बधाई दूं या आपके आकाशवाणी परिवार को बधाई दूं कि मैंने आपका प्रोग्राम यूट्यूब पर गीत एक्सप्रेस देखा। क्या प्रोग्राम आपने सर लाइव, उसमें आपने जो अपना समझ लीजिए आप जो स्मार्ट लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, तो उसके लिए मैं आपसे क्या कहूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आपको। मैं बहुत दरअसल एक होता क्या है ना कि रेडियो से हम लोग, हालांकि बहुत बचपन से रेडियो में आना हुआ और तो थोड़ा सा ये ऑडियो माध्यम है, तो इस कारण से हम लोग विजुअल में, हालांकि दूरदर्शन के लिए और बाकी जगहों पे या फिर प्रोफेशनली जो स्टेज वगैरह प्रोग्राम होते हैं वो वहां पर भी आना जाना होता है, और चूंकि मुशायरे या कवि सम्मेलनों में भी है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो की बात है तो हमें लगता है कि वो बात अब उतनी, मतलब हमारे लिए तो उतनी संतोषजनक नहीं लगती, इसलिए थोड़ा सा परहेज हम करते हैं। जी जी, लेकिन सर आप यकीन मानिए यूट्यूब पर मैंने आपका वो गीत एक्सप्रेस प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत प्यारा लगा और मैंने आपका पूरा शुरू से देखा, बहुत समझ लीजिए मैं उसके लिए आपको दिल से बधाई दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो रेडियो है ना, हम लोग स्टूडियो के अंदर बंद रहते हैं और हालांकि जब 10-20 हजार ऑडियंस होती है, कहीं बाहर स्टेज प्रोग्राम होते हैं या कोई बड़े फंक्शन वगैरह होते हैं, तो उस वक्त तो माइंड सेट रहता है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन हर तरह का एक जैसे होता है ना, किस मूड में आप हैं, क्या काम कर रहे हैं, जब आप कविता लिखते हैं तो आपका दूसरा, आपका एक पर्सनैलिटी दूसरी होती है, मुख्तलिफ होती है। और दूसरा आपके मुतालिक ये बात कहना कि आज के दौर में थोड़ी सी क्रिएटिविटी लोगों में कम हो गई, एक तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ पढ़ नहीं रहा है, और एक जो गुनने की बात होती है, महसूस करने की बात होती है, क्योंकि सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है, संवेदना, और वो बहुत जरूरी है, जज्बा बहुत जरूरी है, ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकली एज में ये कम हो गई है। अरुण सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए आपसे हम अगर पहले का दौर याद करें, 19 का दौर याद करें, उससे पहले का दौर का याद करें, तो मतलब बहुत से इंसान की जिंदगी में बदलाव आए हैं, मोबाइल और बदलाव क्यों आए हैं ये बात आप भी जानते हैं, सभी श्रोता जानते हैं कि मोबाइल जो आज के दौर में आधुनिक हो चुका है और टेक्निकल इतना हो चुका है कि बस मोबाइल में ही लोग अपने व्यस्त हो गए हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, कुछ नहीं चाहते, बस चाहते। और इसमें इन्फॉर्मेशन या सूचना या कुछ जानना हो तो पहले हम लोग बहुत पत्र पत्रिकाएं अखबार पढ़ते थे, उसको याद रखते थे, डायरियां कई कई होती थी जिसमें आदमी याद करता था, कई कई मैगजीन्स हैं का हम लोग महीने भर इंतजार करते थे कि वो पत्रिका आएगी, और कटिंग रखते थे, कई कई फाइलें आज भी हमारे घरों में हैं जो तमाम गीतकार संगीतकारों के इंटरव्यू, उनके जीवनी, ये चीजें रहती हैं, तो वो जो ज्ञान होता था ना वो आज तक ताउम्र याद रहता है। लेकिन तुरंत अगर कुछ खोजी और आपने किसी इंटरनेट पे खोज लिया, वो इन्फॉर्मेशन आपने यूज कर लिया, मेरे ख्याल से कई बार वो शाम तक भी आप भूल जाते हैं कि आपने पता क्या किया था। तो ज्ञान जितना सहज सुलभ हो गया है उसका टिकाऊपन उतना कम हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा अवसर बदल चुका है दौर, तो मोबाइल का आजकल जमाना है, तो छोटे बच्चों को भी मोबाइल चाहिए सबसे पहले उठते ही सुबह,
तो इस प्रोग्राम के माध्यम से जानकारी श्रोताओं तक पहुंचा रहा हूं मैं जी जी। ये अपने छोटे बच्चों को मेहरबानी करके मेरी खास तौर से इस बात पर ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को तुरंत मोबाइल ना दें। बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल छोटे बच्चों के लिए सब बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि वो उम्र है जब वो खेले कूदे, चार लोगों से मिले, आसपास का जो वातावरण परिवेश है उससे देखें, घुले मिले, तो वो सामाजिक होंगे। वरना आदमी कमरे में बंद होकर के वो एक तरह से समाज से कटता जा रहा है आदमी। अच्छा मोबाइल, सर एक बात हो रही है कि छोटे बच्चों के लिए मोबाइल नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि उनकी आंखों पर असर पड़ता है, वो रेगुलर कंटिन्यू मोबाइल। और कई चीज ये भी है ना कि कई बार उसमें कौन सी चीज आ जा रही, कंटेंट क्या है उसमें, कई बार देखने वाले का भी उसमें कंट्रोल नहीं होता कि आपके सामने स्क्रीन पर क्या आ जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, यही बात मैं अभी कहना चाह रहा था। तो आपने बहुत अच्छी एक बात ये कही कि अगर मोबाइल में हम कुछ भी नहीं चाह रहे हैं तो वो पहले ही ऑटोमेटिकली आ रहा है। बिल्कुल, तो हमारे लिए गलत है, वो हमारे छोटे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अब हम लोग लौटे थोड़ी सी, जी जी, खोजने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली मोबाइल में आ रहा है। बिल्कुल, तो यानी ये उपयोगी बातें आपकी, ये जो मैसेजेज हैं हर कोई महसूस करता है, लेकिन उससे बार बार कहने से ये होता है कि लोग उसको जिम्मेदारी का एहसास हो, ये जरूरी है। जिम्मेदारी ये जो होती है ना, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, हम लोग की जिम्मेदारी है ये। जी, हालांकि मेरा बच्चा भी सुबह उठते ही मोबाइल ही चाहता है, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मोबाइल नहीं दूं। जी, अभिभावक हैं, परिवार के लोग हैं, माँ बाप हैं, वो चाहे तो थोड़ा सा अनुशासन रख करके, और खुद पे भी नियंत्रण जरूरी है। पहले हम चीनी खुद न खाएं, तब हम दूसरे को कहें कि चीनी नहीं खानी चाहिए या कम खानी चाहिए। तो ये बताएं, थोड़ा सा लौटते हैं, कुछ आप हमें आशार सुनाएं और फिर अपनी फरमाइश बताएं। जी बिल्कुल, तो आशार तो वही है कि टूटे हुए प्याले में जाम नहीं आता, टूटे हुए प्याले में जाम नहीं आता, और इश्क में मरीज को आराम नहीं आता। अरे बेवफा, तूने दिल तोड़ने से पहले कम से कम इतना सोच तो लिया होता कि टूटा हुआ दिल किसी के भी काम नहीं आता। यानी गाना भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बहुत क्या बात है, माशाल्लाह से आपका तो माइंड बहुत ही प्यारा है सर। नहीं, मुझे लगता है जो चीजें मन में चलती रहती हैं आदमी, बिल्कुल जो मन में होती है वो दबा पे आती है, फिर वो ऑटोमेटिकली पता चल जाती है सामने वाले को ही कहना क्या चाह रहा है। हाँ, तो बताएं फरमाइश। बिल्कुल, गाना भी आज कुछ इसी तरह के है, सनम फिल्म का गाना है और गाना बहुत प्यारा है पंकज उदास जी की आवाज में, कि खुदा करे मोहब्बत व माफ। तो ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर आदिल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी प्यारा सा बेटा है मेरा अब्दुल्ला खान और जैनब खान है और परिवार के तमाम लोग हैं और जमील अहमद शाह साहब हैं, तकिया मणिया हूँ जिला जौनपुर। जी बहुत अच्छा, वो गाते भी हैं और वो आते हैं तो उम्मीद करें, उनको तो बहुत ही पसंद करते हैं सब। जी बिल्कुल, हम भी, और बहुत अच्छी शख्सियत है उनकी, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो बहुत अजीज हैं, दिल के करीब हैं। ये गीत आप तक और उन सब तक पहुंच रहा है, बहुत शुक्रिया। खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए, में वो मकाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश, और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। आप हमें मेल कर सकते हैं pkldaiarvaranasi@gmail.com। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी फरमाइश का गीत, तो हमें आपको फोन करना होगा बुधवार को सुबह में 10:30 से। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222102, एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। आपको बता दें कि बुधवार को ये जो रिकॉर्डिंग होती है इसका एक भाग यानी 3 से 4 कॉल शनिवार को दिन में 12 से 12:30 और फिर बाकी 3 से 4 कॉल दिन में 2:30 से 3 और फिर रविवार को 12 से 1 बजे के बीच हम ये प्रोग्राम आपको सुनवाते हैं। यानी आज की जो रिकॉर्डिंग है बुधवार की, उसको 3 हिस्सों में हम प्रसारित करते हैं। तो इसी जानकारी के साथ अब इस प्रोग्राम को खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए।
दीवानेपन का नशा सारी उम्र ना उतरे, दीवानेपन का नशा सारी उम्र ना उतरे, वफा की बंदगी में अपनी जिंदगी गुजरे, दीवाने दिल की तड़प कुछ तो तेरे काम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, मेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम आए, खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम